हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता स्वास संपन्न में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे दुनिया का सबसे इजी चॉकलेट स्पॉन्ज, जो कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप भी फर्स्ट टाइम में वन शॉट में आप अपना स्पॉन्ज बनाकर तैयार कर लेंगे, आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट स्पॉन्ज। सबसे पहले हम एक मोटे तले के बर्तन को प्री हीट करने के लिए रखेंगे और उसमें हमें कोई नमक वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर एक बाउल पर हम रखेंगे छन्नी और उसमें डालेंगे 2 कप ऑल पर्पस फ्लार यानी कि मैदा। 2 कप मैदा से अगर आप स्पॉन्ज बनाएंगे तो उसका 1 किलो का केक बना सकते हैं। और उसमें डालेंगे हम 1 कप पाउडर शुगर और 1/2 कप डालेंगे हम कोको पाउडर। केक के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम डालेंगे इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर और फिर इसे अच्छे से छान लेंगे। सारी सामग्री को छानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक टाइम तो छानिए ही छानिए इसको, अगर आपका दिल करे तो इसको 2 बार भी छान सकते हैं। 2 बार छानने से और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। स्पॉन्ज बनाने के लिए आपको मेजरमेंट का खास ध्यान रखना होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल, कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो। और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें वनीला एसेंस और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें कॉफ़ी पाउडर। अब मैंने लिया है इसके लिए 2 कप दूध, पर अब भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हम 1 कप दूध डालकर अच्छे से मिलाएंगे और फिर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हमें जैसे जैसे दूध की ज़रूरत पड़ेगी हम उतना दूध मिलाते चले जाएंगे। वैसे इसमें 2 कप दूध लगेगा। एक अच्छा स्पॉन्ज बनाने के लिए हमें केक बैटर को ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से और ज़्यादा ही मिलाना नहीं है, उसे कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिलाना चाहिए, नहीं तो जब हम केक को बेक करेंगे ना तो वो बीच में से दब जाएगा। इसलिए उसको हमेशा कट एंड फोल्ड मेथड से और बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाना चाहिए। अब इसमें डालिए आप 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून डालिए उसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी डालकर इन दोनों को एक्टिवेट कीजिए और कट एंड फोल्ड मेथड से ही इसको मिलाकर तैयार कीजिए। लास्ट में डालिए इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर, जिससे हमारा केक बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। और उसे भी उसी मेथड से कट एंड फोल्ड के मिला दीजिए। अपना केक टिन लीजिए और उसमें बटर पेपर लगाकर उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कीजिए और उसमें अपना सारा केक बैटर डाल दीजिए। देखिए उसको थोड़ा सा फैलाकर डालना है और 3-4 बार टैप टैप कीजिए और अपने प्री हीट बर्तन में उसको रख दीजिए 45 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट आपको इसको तेज गैस पे और बाद के 40 मिनट इसको बिल्कुल स्लो गैस पर आपको पकाना है। देखिए हमारा केक कितना सुंदर पककर तैयार हो गया है। हम इसमें ये टूथपिक डालकर देखेंगे, देखिए बिल्कुल साफ निकली है, इसका मतलब हमारा केक बन गया है और इसको पूरे 45 मिनट लगे हैं। टाइम 5-7 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी गैसें होती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम देख लीजिएगा। अब हमारा केक को हम डीमोल्ड करते हैं। देखिए कितने सुंदर और कितना आराम से ये डीमोल्ड हो गया है। अभी ये बहुत गर्म है, इसे मैं ज़्यादा दबा नहीं सकती। हमारा केक चारों तरफ से एक जैसा सीखा है और ये बाजार से भी बढ़िया बना है। अब आप चॉकलेट स्पॉन्ज बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।